बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, हमारे पास कहता है कि dy / dx फाइंड करना है आपने। अगर आपके पास y किसके इक्वल है, x * cos y, बेटा आपको कहेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा आप विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों, dy / dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, एक dx और दूसरा cos y, एक अलजेब्रिक फंक्शन है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बेटा जी ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब बेटा जी देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब बच्चों से सॉल्व करेंगे, dy / dx इज इक्वल टू x एज इट इज, बेटा जी cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन का इन टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इन टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस cos y इन टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। शाबाश। अब बेटा जी ये dy / dx is equal to minus x sin y dy / dx plus cos y, अब बेटा ये माइनस वाली वैल्यू है, हमने क्या करना है dy / dx वाली टर्म्स एक तरफ कर देनी है और dy / dx के बगैर वाली टर्म्स एक तरफ रहेगी। बेटा ये क्या होगा हमारे पास, dy / dx प्लस x sin y dy / dx इज इक्वल टू cos y। अब इन दोनों में से dy / dx को हम कॉमन लेंगे, जब हम dy / dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस x sin y इज इक्वल टू cos y। अब बेटा हमें तो dy / dx की वैल्यू फाइंड करनी है, जो उसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के उसको जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा जी dy / dx इज इक्वल टू cos y आवर 1 प्लस x sin y। ठीक है बच्चों, ये dy / dx आ गया हमारे पास। नोट करें बेटा इसमें,